चलो जो भी रहेगा वो यहीं रहेगा आस पास। पकड़ लिया रे कांता भाई। कांता भाई की गंगू भाई टेंगरे 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 पापा को भूत खा जाएगा। पापा गंदे ऐसा बोला। पापा गंदे हाँ ऐसा बोला। अच्छे पापा बस भैया सिलेंडर हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे। तो फिलहाल आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:35 से। फिलहाल हमारे दादा जो है यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, पैरों को ऐसा घुमा लेते हैं पूरा बैठ करके, फिर बॉडी को इधर झुका के स्ट्रेच करते हैं। सुबह से उठ के सबसे पहले उनका यही काम है, चाय पीना, एक्सरसाइज करना, खाना और फिर भगवान जी की माला जपना। अलार्म भी बज गया। महादेव उठो, 9:45 बज गई। और पता है कल मैं जब प्रेस कर रही थी ना, तब मम्मी हम सभी पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि अब सभी जन सुबह से उठ के सबसे पहले पहले कुछ जो भी कुछ काम रहेगा काम छोड़ करके भगवान जी के मंदिर जाएंगे, उनके दर्शन करके आएंगे, जल चढ़ा के आएंगे। क्योंकि भोलेनाथ का जो मंदिर है ना वो हमारे बिल्कुल पास में ही, इस साइड भी पास में है और इस साइड भी पास में है। तो अब देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। तो अगर बच्चे परेशान करने लग जाते तो सोचा हुआ काम सब कुछ फेल। खतरनाक धूप 8:30 से ही, पर बादल बहुत प्यारे दिख रहे भैया ये देखो। पर आई हूँ सबसे पहले फूल तोड़ लेती हूँ। और आज तो फूल दिख रहे भैया सुंदर सुंदर, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दो वहाँ पे है। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। विराजे जाको देख काल दरवाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु त्रिशूला। भगवान जी की पूजा तो हो गई, तुलसी माता की भी पूजा कर ली, सूर्य देवता को भी नल जल चढ़ा दिया। अब बनाएंगे, सोमवार है तो पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे भैया, उसकी पूजा करेंगे और शाम को जल डाल के उसको वहीं के वहीं गमले में ठंडा कर देंगे। जैसे मिट्टी का भोलेनाथ का शिवलिंग बना सकते हो, उसकी पूजा कर लो वहीं पर उसको, फिर 2-3 घंटे बाद अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो 2-3 घंटे बाद उसमें पानी डाल के उसको विसर्जन कर दो वहीं पर। हमारी जो यहाँ पे मलाई इकट्ठी की हुई थी उसका बन रहा है यहाँ पर घी। विदित भैया तो यहाँ पे खा रहे दूध बिस्किट, बाकी मम्मी चीकू मैं हम लोग सब जन खिचड़ी खा रहे गरम करके। ये देखो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। तो फिलहाल अभी 11:45 हो रही है। फिलहाल दादी थी इधर खाना बना रही है। ये देखो भैया यहाँ पे बन रही है रोटी। आज हम बनाएंगे ये आटा जो घी हुए ना इसी से लच्छा पराठा। मैदा तो नहीं डाला ना इसमें, कोई मैदा नहीं मिक्स है, जैसी रोटी बनती है इसी का लच्छा पराठा बनाए। जो क्रंचीपन है वो नहीं आएगा, बाकी सब रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे अद्विक सर कर रहा है पढ़ाई, चीकू सर भी कर रहे हैं पढ़ाई। कितना करना है? अधिक छुट्टियों में भी होमवर्क दे दिया आपको, 40 होमवर्क करना है। ये होमवर्क ना पूरा 43 का करना है, देखो। हाँ करो करो करो। आज है ना ये अपनी नाला है, ये कोको है, उसने ना वॉमिट कर दिया, खाना खाने के बाद में वॉमिट कर दिया, क्या पता क्यों करा। ओ मेरे लिए पढ़ के बच्चों अंदर ही रहो। मैंने जब वॉमिट कर रहा था तो मैंने उसमें देखा एक बाल की गुच्छी भी निकली थी, जहाँ तक बाल चले गया होगा खाने के साथ में, इसलिए वॉमिट कर दिया। मेरे को तो वही लग रहा है, कुछ भी हो यदि यहाँ नहीं अंदर भी चले गया तो यहाँ पे अटकता है, इसलिए वॉमिट कर दिया होगा शायद। पर मेरे को ना अब इनसे डर लगने लग गया, बार का हो गया भैया रिस्क लेना बहुत डर लगता है। बताओ पटाखा आपका। देखो भगवान जी की बत्ती है, भगवान जी की बत्ती है, भगवान जी की बत्ती है बेटा, भगवान जी की बत्ती है, उसको रख दिया, बोले माचिस से जलाओ भाई, पटाखा है पटाखा है। विदित ये पटाखा यहाँ क्यों रखा आपने? पहली रोटी यहाँ पे बनेगी गौ माता जी की। विदित तो इतना बदमाश क्यों हो गया, कान में डाल ली उसने बत्ती। पराठा बन रहा है, पहले एक गौ माता जी की रोटी बन गई, एक दादा की रोटी बन गई, अब अपनी बारी। नॉर्मल रोटी का पराठा बनता है कि नहीं बनता है देखते लच्छा पराठा पर। पहली बार बना रहे आटे का लच्छा पराठा, गेहूं के आटे का लच्छा पराठा नहीं तो अधिकतर है ना इसके अंदर मैदा मिलाया जाता है, मैदा और आटा तो लच्छा पराठा बनता है। अपन डायरेक्ट यहाँ पे गेहूं के आटे का बना के देख रहे हैं, अच्छे तो आएंगे, बस जो कड़कपन है वो नहीं आएगा। एकदम बारीक बारीक काटना है, ऐसे बारीक बारीक काट। चलो भी आज ट्राई कर ही लेते लच्छा पराठा बनता है कि नहीं बनता है, इससे खाने के साथ में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मांझे किससे? आटे से, आटे गेहूं के, गेहूं के आटे से नहीं, आटे से कि बीवी से? हाँ ऐसे फोल्ड करती जगह मस्त बनेगा रे अदिति, लच्छे तो आ ही जाएंगे ना। जो अपने देख पराठा बनाते हैं अपन के अंदर जो लेयर आती है उसमें तो लेयर आती है, उसमें कितनी सारी लेयर हो जाएगी उसके, देख तो बनेगा क्यों नहीं बनेगा लच्छा पराठा बनेगा, मस्त बनेगा अच्छा पराठा बन गया, पर लच्छे दिख नहीं रहे इसके अंदर कहीं भी। मैं लच्छे ऐसा करने पे आएंगे।
चलो भैया अपना लच्छा पराठा आ गया, तेरा अपना गेहूं का बना हुआ लच्छा पराठा। आप भी ना एक बार घर पे ही बना के देख लेना लच्छा पराठा। मैदे का बनता है पर अपन आटे का बनाओ, मैदा थोड़ा नुकसान सा देता है ना, आटे का बना के ही खा लो आप सब। लेस तो वो सारी दिख रही है। ठीक है, तो फिलहाल इधर देखो यहाँ पे सारी बैरिकेडिंग हो गई है, पूरे दो सब दूर बैरिकेड लग गए हैं भैया, सारा सब दूर पैक हो गया है। हमारे यहाँ पे ना कल कंफर्म मोदी जी आ रहे थे, पूरा साफ सफाई ऐसा लग रहा है कि मैं और कहीं दूसरी जगह पे आ गया हूँ। पूरा बदल डाला भैया, पूरा पूरा बदल डाला है, पूरा खतरनाक तंबू ताना है भैया, पूरा बदल ही डाला है भैया इसको तो, यहाँ पे पूरा पूरा बदल दिया। देखो पता ही नहीं चल रहा है कौन सी जगह आई है। देखो अंदर पूरी चेयर्स में सब कुछ लगा के रखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मोदी जी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कल मोदी जी आ रहे ना अपने यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल गन्ने का जूस पे रहे, फिलहाल आदित्य के ब्लाउज के लिए गए थे, सामान जो भी था लेना ले लिया भैया, गर्मी भयंकर तगड़ी है भैया। ठीक है, तो फिलहाल अभी अपन घर पे आ गए, अब भी बना रहे हैं भैया यहाँ पे श्रीखंड। पप्पा चक्खा लेके आए थे, वो वाला टायर वाला चक्खा नहीं जो गाड़ी में लगता है, वो चक्खा नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, चक्का 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 बोला जाता है श्रीखंड बनाने वाले। आप घर पे बना सकते हो, ज्यादा बहुत सारा दही जमा दो, दही को एक कपड़े में लो और फिर पूरा उसका पानी निकाल लो, पूरा एकदम सूख जाएगा, वो उसको बोलते हैं चक्का। सबसे पहले प्रोसेस है भैया शक्कर, अगर ऐसे ही डालते हैं पर मेरे दिमाग में आया कि शक्कर के जो दाने रह जाते थोड़े वो, तो उसके उसको सीधे पीस लो। तो फिलहाल अपने शक्कर पिसा गई है, मशीन से आराम से चलाएंगे फिटा जाएगा। पहले कौन कौन कड़ची लेके अच्छे से फिटता था बताने का मैंने, हम बहुत फिटते थे, बहुत देर तक बस फिटो 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 शक्कर रह जाती थी, फिर चाको अरे शक्कर रह गई प्योर फिटो, एक एक घंटे तक मेहनत करते थे, आजकल तो मशीनें आ गई है। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो अपन इसको फेट लेते हैं, सारी पूरी शक्कर डल जाएगी। चलो बस फेटते जाओ। मम्मी इसमें शक्कर मिलानी है ना, सिर्फ बना हुआ है रेडी, ऐसे पर शक्कर डालनी है ना, वो तो पूरा मैश हो गया। ठीक है, तो फिलहाल हमारा दूसरा कोई काम नहीं, सिर्फ वीडियो बनाओ और खाओ और खाना दिखाओ। सैंडविच अभी मैं बिल्लियों को छोड़ के आया भैया, जिनको इंजेक्शन लगना था उनको भैया पास छोड़ा है, कल लेके आ जाऊंगा। फिलहाल घर आया तो सैंडविच बना हुआ मिल गया, भूख भी लग रही थी। जब जब खाने की चीज देखता हूँ ना ऐसा मन करता है इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दू, फिर आप सभी देख के देख लिया करो यार मैं क्या खा रहा हूँ। ठीक है, अभी इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाल देते हैं, आपको भी अच्छी लगेगी मेरे को भी अच्छा लगेगा देख के, आपके साथ शेयर करके मैं क्या खा रहा हूँ। सीधा इंस्टाग्राम खोलो फोटो डाल दो, तो ये देखो भैया इंस्टाग्राम पे आप आए ना हमको फॉलो कर लिया करो, क्योंकि तो फोटो डाली थी हमने पुरानी वाली, मैं डालते रहता हूँ, 38,000 लोगों ने देखा है भैया यहाँ पे, थोड़ा अच्छी खूबसूरत इंडिया से आपके मुँह में पानी आना चाहिए। ये देखो भैया अपने विदित को कम्बल चद्दर समझ के लेके बैठता है भैया, आराम से आएगा खुद घुसेगा और खुद ऐसा बैठ जाएगा आके। बेटा ये आ ले खाना चाहिए जानू, हाँ खाना ये खाओ, आ ले आ करो, वेरी गुड। हे गाइस, तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 6:10 और हम सभी जन आ गए भैया ऊपर, पापा पीछे गोडाउन में हैं, कर्मा जी नीचे शॉप में बैठे हैं, दादा उनके बेड पे बैठ करके राम भगवान जी के भजन गा रहे हैं और हम सभी भी आ गए ऊपर। हमारे रील्स बनाने का प्लान था पर वो तो कैंसिल हो गया क्योंकि मम्मी बच्चों को लेकर सो गए थे दोपहर में, हमारा दोपहर बनाने का प्लान था और दोपहर में भयंकर गर्मी हो रही है भैया, इसलिए वो प्लान कैंसिल कर दिया, कल ट्राई करेंगे, कल बनाएंगे भैया रील्स। बाद अभी हम लोग खेलने वाले गेम्स, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बोर जाते हैं, थोड़ा सा बच्चों के साथ भी इंजॉय करना जरूरी होता है। गेम खेलेंगे जल्दी से, साइड में करो सब सामान, जेची भी को भी साइड में करो। बच्चों को उल्लू बनाने का सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि उन लोगों के गेम खेलते नहीं आता है। चलो जो भी रहेगा वो यहीं रहेगा आसपास है ना, कोई दूर नहीं जाएगा। दूर की हंस रहा है, चलो चलो आ जाओ रेडी, पास में तो आओ, दूर नहीं जाना है किसी को। छोटा पिल्ला पकड़ लिया रे, चौक से पहले विजित को पकड़ लिया मैंने, छुट्टी बांधेंगे पहले, रुको रुको रुको, ऐसे भाग रहा है पापा। विदित गेम खेल रहे ना अपन, चलो अब देखो ये कितने, ये कितने, ये कितने, ये दूरी खड़ा हो जाता है। नहीं विदित को छोड़ दे, विदित को छोड़ दे, अरे यार तुम पट्टी खोल देते हो यार, मेरी बात सुनो विदित, अपन गेम खेल रहे ना, आपको पट्टी बांधना पड़ेगी विदित, डुगो पहले आप करवा प्लीज भाई, अब बताओ क्या करे इसका।
विदित अब मार खाएगा। वो पौधों में पानी डाला, थोड़ा बहुत पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो देखो वहाँ पे बैठ गया पालके लगा के। अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, हट जा, बिल्कुल हट जा अधिक, तो हट जा, मेरे को छोड़ दे अधिक, तो छोड़ दे मेरे को, बस छोड़ दे अधिक, तो छोड़ दे मेरे को, मैं विदित को बहुत बुरा मारूंगी, तो छोड़ दे अधिक मेरे को, अधिक छोड़ दे, रुचा से कान में फटाका फोड़ूंगी, हट अधिक, तो छोड़ दे, बस छोड़ दे, ये फटाका मैं फोड़ूंगी इसके बम में, अधिक तो छोड़ दे मेरे को, अधिक तो पकड़े मत, मैं छोड़ दे बस, अधिक छोड़ दे, आज तेरे भाई को कोई नहीं बचा सकता है, आज तेरी जान खतरे में, अधिक छोड़ दे, अधिक बिल्कुल छोड़ दे, अब बैठेगा पानी में, बैठेगा पानी में, रुक जा तेरी, सॉरी बोलो जल्दी से मम्मा को, पहले मम्मा को सॉरी बोलो, क्यों मेरी छोरी को, हाँ ला मैंने निकाल दू, आजा आजा मैं निकाल दू, आजा छांता भाई, चिकदी छांता भाई, अधिक 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 मत निकालो आप, हाँ मैं निकालू, किसने पीना आया था बेटा ये, दादी माँ ने, दादी माँ मैं लड़का हूँ, मैं गर्ल क्यों बोलूँ, सॉरी दादी माँ मेरे को अच्छा नहीं लगा, अरे तुन तुन कुल्ली ये ले मम्मा आज की तो, आ जाओ शांता भाई, शांता भाई कांता भाई की गंगू भाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करके छोड़ रुको सही ऐसा ऐसा मुंह में दबा ले, ये हाथ निकाल बाहर, टेंगे 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 टेंगे, इतना बड़ा तरबूज, ओ पापले इतना बड़ा तरबूज, टेंगे 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 टेंगे, खाओ फटाफट खाओ अद्विक, टेंगे 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 टेंगे, दादा को कौन खिलाएगा, दादा को, ओ तो बड़ा तबूज, ए मरती क्यों, पकड़ लो दादा, पकड़ लो दादा, पकड़ लो, क्या बुराई हो रही है मेरी, विक्की गंदा है, विक्की गंदा है ना, आदित्य अच्छी है, विक्की गंदा है, आदित्य अच्छी है, आदित्य अच्छी, बोल कौन अच्छा है, पापा गंदे, दादा गंदे, ना मम्मी कैसी है, ना मम्मी कैसी, मम्मी आदित्य कैसी है, आदित्य गंदी, आदित्य कैसी है, जल्दी बोलो, मम्मी गंदी है, और पापा, पापा भी गंदे, पापा कैसे हैं, पापा गंदे, अच्छा कौन है, दादा, आया 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 दादा को पूछी देने, आया 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 कुछ कुछ गले में पूछी देने, क्या होते उसको, मतलब अधिक अधिक प्यार से, दूर से बातें हो रही है ना, बोला मैं सोऊंगा तो आप भी सो, चलो मारा कुटी नहीं करना, दूर से बातें करो, तो आप भी बोलो ना, बोलना अभी आप भी सो फिर मैं भी सोऊंगा, 35 मिनट हो रहे और इन दोनों भाइयों का बहुत फुटबॉल गेम चल रहा है यहाँ पे, क्या मारा कैसा मारा, हाँ जाओ खेलो, अब इनको नींद नहीं आ रही है, ये कब सोएंगे, विदित पैर नहीं मारना भैया को, अधिक उठो आप वहाँ से, विदित भैया को, रुक जा छोटा पिल्ला बहुत बदमाश है, आहो उसको ला तो चाटे मार के आ रही है, विदित के पापा तक लिया, देख विदित, विदित आप ऐसे गंदे काम मत करो, देख क्या बोल रहा है, खड़ा लिया, विदित के पापा तक लिया, देख क्या बोल रहा है, देख समझा जरा भैया को, समझा क्या, तो बोल दे तो, विदित समझा जरा, अधिक ऐसे हाथापाई नहीं करना, विदित समझा, अरे गुस्सा मत करे, समझा गया जरा अच्छे से, जरा हिंदी में समझा गया, हिंदी में,
विदित हिंदी मराठी गुजराती सब समझा के इंग्लिश में भी समझा क्या मद्रासी पंजाबी टोटे टोटे भी कर दे इसके आज तो छोटा वाला भारी कम नहीं पड़ता है देखो बस छोटा है तो थोड़ा छोटा वाला कम नहीं पड़ता है विदित भैया को समझा मेरे को बोल रहा है भूत खाएगा ऐसा बोला भैया ने मेरे को हाँ समझा विदित 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 मेरे बारे में बोल रहा है भैया विदित भैया मेरे देख पापा भूत खा जाएगा बोल पापा गंदे पापा गंदे विदित पापा गंदे के अच्छे देख 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 पापा मेरी जान ये इसका भी वही सीन है भैया पापा मेरी जान यदि मेरे बारे में उल्टा बोल देगा छोड़ेगा नहीं इसको दादा दादी बोल रहे थे इसके पापा गंदे मम्मी अच्छी मम्मी खाना पीती ऐसा करती ऐसा करती चलता नहीं मेरे पापा अच्छे मम्मी गंदी है अच्छे पापा बस भैया सिलेंडर अच्छे पापा अधिक नो पापा अच्छे कंटे अधिक को जैसे लगी वैसे बोलता अच्छे पापा है देख विदित पापा को टक रुक जा बिचकान दे उसको बिचकान दे देख इसके अंदर जोश रुक जोश भरने दे मेरे पैर अरे चाबी भरने दे खड़ा हो खड़ा बैठे इधर मेरे पास इतना रुक जा देख भैया क्या बोल रहा है पापा टकलिया बोल रहा है और हाँ और बोल रहा है पापा आपको भूत खा जाएगा पापा गंदे ऐसा बोला हाँ ऐसा बोला अधिक इसको पटक देता है यार अधिक दबाया मत करे छोटा भाई अधिक 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 शेर बता दो शेर शेर से कहीं नहीं होगा अच्छा ये शेर ये रहा शेर खा जाएगा है ना देख देख खींच के दे तो आज तो हो जाए दंगे दंगे फसाद कर इसलिए लड़ाता हूँ वो कहके बोल देता है फिर वो सुन के वो सुन के अच्छा लगता है अभी दरवाजा लगाते हैं अपन ऐसे बहुत देर से चल रही पर पूरा दरवाजा खुला दो तीन घंटे से आज इधर देख देखे ना मुझे बेकार सा लग रहा है क्योंकि कुको लाना नहीं है ना अपन ने उनको छोड़ के आते हैं इनको वो इंजेक्शन लगना है इस वजह से सब कुछ मेरे को बार बार याद आ रही है उनकी कि सोफे के नीचे होगी इधर होगी आदित्य को भी याद आ रही है कि सोफे नीचे होगी उनको पहले अंदर रूम में लो फिर दरवाजा लगाएंगे अपन चलो कोई बात नहीं अच्छा इंजेक्शन लग जाएगा ना क्योंकि बच्चों के यदि नाखून भी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।